वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज करण एंड यू गाइस आर वाचिंग येट अनदर वीडियो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव टू टॉक टू यू, कुछ बहुत बातें कोई कर लेते हैं। एक तो वैसे ही बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रहे हैं, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ, बाकी तो एज सच वही सीन है। तो हाँ जी भैया, हम लोगों ने ब्लॉग्स नहीं डाले अभी। हम कुछ टाइम तक लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे थे, अभी थोड़ा मेरे को पॉज टाइम भी मिला उस चीज़ से। लाइव स्ट्रीम करी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया, 300 सब्सक्राइबर पिछले साल के एंड तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। लाइक मज़ा आ गया था, मतलब मैंने ये सब किसी को बताया नहीं कि यहाँ पे ऐसे बताना था। 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, अब तो 333 के आसपास आए हैं। यार तुम लोग फिर लास्ट तक वीडियो देखते नहीं हो तो एक काम करो, पहले सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन दबा दो, और मतलब नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको क्लिक कर दो, उस पर बेल आइकन होगा वो भी क्लिक कर दो, तुम्हें फिर नोटिफिकेशन वगैरह आएगी चैनल पे जैसे कोई भी वीडियो अपलोड होगी। वैसे भी अब तो लाइव स्ट्रीम करते हैं तो, पर अभी कुछ टाइम से नहीं कर पाया ब्लॉग भी और लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पा रहा था। ये वीडियो भी काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, जो भी ये वीडियो शॉर्ट शूट कर रखी थी पहले से ही, अभी जो ये वाला जो शूट करना था ये बाद में कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। सो कमिंग टू द वीडियो, मैंने बाल कटवा लिए जनेव के चक्कर में ही। तुम लोगों को जनेव के बारे में नहीं पता रही, मैंने 2-3 शॉट ले लिए थे तो तुम लोगों को जनेव के बारे में नहीं पता। मतलब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था और मेरे को पता चला कि जनेव यूजुअली हिंदुओं में एक रिचुअल होता है, जिसमें पहले मतलब पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि 12-13 साल के बच्चों को वो जनेव पहनाते थे और उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर भेज दिया जाता था। घर के बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे जाते थे और जब उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो वो घर आते थे और वो जनेव उनका उतार दिया जाता था। बट अब ऐसा कुछ रिचुअल वगैरह बना दिया इसको, तो अभी हमने जनेव धारण किया और अब तो मैंने उतार भी दिया। मतलब उसके कुछ रूल्स वगैरह होते हैं वो एक बार देख लो, मैं गंजा कैसे हुआ, मैंने बस छोटा सा सिनेमैटिक बनाया हुआ है। चलो पहले सिनेमैटिक देखते हैं। This happened. Boy, what's up, boy? Welcome back, Yash Goyal. Yo. Welcome back to the channel, Yash Goyal. Oh, thank you. आया करो अब ऐसे ही। इतना बड़ा चैनल बनवा दिया मैंने आपका। हाँ। कैसा फील हो रहा है आप? पहले इसकी ईमेल पे था वैसे। जैसे सब्सक्राइबर बढ़े इसने ईमेल चेंज कर ली ताकि मेरे को पैसे ना देने पड़े। ये मेरे को कहने लग गया कि 50-50% करेंगे नहीं तो मैं तेरा चैनल डिलीट कर दूंगा। तो लेजिट इस तरह से बोला, आपका क्या कहना है इस बात पे? मेरा कहना है कि सारा का सारा जो शूट था वो मैंने किया था और ये तो साहब मैगी खाने चले गए थे भाई। एक काम करते हैं अभी ना, आसपास लोगों से पूछते हैं कैसा लग रहा हूँ मैं और ये क्यों कराया है। मम्मी एक बात बताओ, ये क्यों कराया और अब हम कैसे लग रहे हैं आपके साथ? बहुत सुंदर, अच्छे लग रहे हो बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, ऐसा अच्छे लग रहे हो। क्यों कराया था आपने बताया? ये इसलिए कराना होता है कि कर्म शुद्ध करने होते हैं हमारे, कि तुम्हारे आगे के जो भाग है ना खुल जाए, बस कर्म शुद्ध होते हैं, कर्म शुद्ध। चलो पापा अब आप बताओ कैसे लग रहे हैं, अब हम बताओ। मैंने अपने बच्चे दोनों का जनेऊ संस्कार कर दिया है, उनकी इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद तुरंत शादी कर दूंगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बढ़िया उनके लाइफ बने और मेरा आशीर्वाद है। अरे शक्ल के हम पहले से बेटर लग रहे हैं, कैसे लग रहा है? शक्ल से तो बेटर लग रहा है क्योंकि हेयर स्टाइल थी वो ऐसा लगता था कि उजड़े चमन थे, लफंगा टाइप के थे। मामू आपके हिसाब से कैसे लग रहे हैं? फैंटास्टिक, मुझे लग रहा है कि अकल आ गई है और अब सब कुछ अचीवमेंट बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो। और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के मामले में बिल्कुल सुधार नहीं आते, वो गर्लफ्रेंड को बिल्कुल मानते ही नहीं, जो माँ बाप कहेंगे वही वो समझते हैं, तो ये होना चाहिए। मैं काट दूंगा। अरे मतलब मैं एक फोटो यहाँ पे लगा देता हूँ, बहुत बहुत फनी फोटो है अभी, तो ये फोटो थी। आई लुक प्रीटी मच वियर्ड, पर
अ नाइस एक्सपीरियंस एक्चुअली. मतलब हमें कुछ बहुत रूल्स से अगर जनेब पहनते हो तो कुछ बहुत रूल्स फॉलो करने होते हैं. जैसे पहला, लोहे के बर्तन में कुछ भी चीज़ बनी हुई नहीं खानी, घर का कुछ नहीं खाना, प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाना. बट वो मैं खा रहा था, ठीक है, प्याज खा रहा था, लहसुन वगैरह नहीं, चिकन नहीं खा सकते. सुबह नहा के फिर खाना खाना है, वो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए. ये सबसे ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए. नॉन वेज मैंने फिर भी थोड़ा छोड़ दिया था, वो कंट्रोल कर लिया था मैंने नॉन वेज. बट तो ऐसे दो चार रूल्स और थे, ठीक है. और एक तो था कि वॉशरूम जाते वक्त जनेब को ऐसे कान पे लपेटना होता, बट जो भी था सब अच्छा था. उसके बाद जनेब उतारते वक्त, मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों को जब मर्जी पूरी ज़िंदगी भी पहन सकते हो एंड जब मर्जी उतार भी सकते हो कुछ टाइम बाद, थोड़ा एक टाइम इंटरवल होता है उसके बाद उतार सकते हैं. तो मैंने जनेब उतारने से पहले एक सत्यनारायण जी की कथा होती है एंड ऑल, वो सब हुआ, जनेब वगैरह उतरा. और उसके बाद मैंने फोर्टनाइट खेलना शुरू करा. मैंने फोर्टनाइट का बैटल पास खरीद लिया, उसकी वीडियो भी बना रहा हूँ मैं शायद. अभी मुझे नहीं पता ऑर्डर क्या होगा, कौन सी वीडियो पहले डालूंगा कौन सी वीडियो बाद में. हमने लाइव स्ट्रीम काफ़ी अच्छी करी, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. लेजिट आई एम थैंक यू. अभी लाइव स्ट्रीम हम दोबारा करना शुरू करेंगे कुछ दिन में, शायद इस वीडियो के बाद. मेरे को ये बताओ चैनल का नाम क्या लगेगा, चैनल के नाम का क्या करें. अब व्लॉग्स बाय करण पे गेम करता हुआ. मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, यहाँ पे भी आ रहा होगा कहीं पे. इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे जाके मैसेज करो कि चैनल का नाम क्या रखना चाहिए. अभी कमेंट डाउन करके ये भी बता देना कि ये वाला वीडियो जो सिनेमैटिक था वो कैसा था, थोड़ा और बेटर हो सकता था. इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर दो चैनल का नाम क्या रखना है, सजेशन सारे दे दो. वी विल ट्राई कि एक अच्छा सा चैनल का नाम अब फाइनली बाहर निकल के आए, बार बार चेंज ना करना पड़े. तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो क्या चीज़ पसंद आई क्या चीज़ नहीं पसंद आई, सारे सजेशन कमेंट कर दो. लंबा सजेशन है तो जाके इंस्टाग्राम पे DM करो, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत चीज़ें अभी डालना शुरू कर रहा हूँ. थोड़ा टाइम लग रहा है पर शेड्यूल सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी होने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव स्ट्रीम पे, जहाँ पे भी आना पसंद करोगे.